हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम महक है और आज मैं आपको अपने फिफ्थ क्लास का काम शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें, कन्वर्ट करें। हमारा आज का ये क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज मैं आपको इसका ये सी पार्ट दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम आज लिखेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हम डिनोमिनेटर का निकालेंगे। सो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, अब डिनोमिनेटर लिखेंगे फाइव। अब हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा है एलसीएम निकालेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम देखेंगे कि ये सब इन तीनों के टेबल में से आएगा कि नहीं। चलो देखते हैं कि 20 इन सबके टेबल में आता है कि नहीं। 5 4 20 होता है, और 15 की टेबल में 20 नहीं आएगा, 10 की में भी आ जाता है। तो हम 20 का सेकंड मल्टीपल देखेंगे, तो 40। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 की टेबल में 40 आता है, बट 15 की टेबल में 40 नहीं आता। सो हम 20 का थर्ड मल्टीपल लेंगे जो कि है 60। तो 60 5 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, और 10 की में भी आता है। तो हम इधर 60 लिखेंगे। 60 हो गया हमारा इन सब का एलसीएम। तो अब हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हम जैसे कि 3। अब हम इन सब के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जिससे कि हम इजीली इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस कर सकें। तो अब हम लिखेंगे 3/5, जैसे कि 3। अब आपको ही बताना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 60 है। सो इसका आंसर होने वाला है 12, और 12 5 60 होता है। अब हम जो न्यूमिनेटर है उसको भी 12 से ही करेंगे। तो जैसे कि 12 3 36, तो हमारे पास ये आ गया है। और अब हम इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी इस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अब इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये न्यू फ्रैक्शंस हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा 54/60। अब हम लगाएंगे इसमें ग्रेटर देन का साइन, और अब हम लिखने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 54/60 कैसे आया। यहाँ पे सबके न्यूमिनेटर तो सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो अब हम न्यूमिनेटर देखेंगे किसका सबसे बड़ा होगा। तो इधर 54 का सबसे बड़ा है इन सब में से, तो हमने 54 लिखा। अब इन सब में से कौन सा सबसे बड़ा है, चलिए जल्दी से बताइए। तो आंसर है 51/60। तो अब हम 51/60 लिख देंगे, और फिर वापस से ग्रेटर देन का साइन लगाकर। अब बताइए सब इन, ये दोनों तो हो गए, अब इन दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है। और इसका आंसर है 36/60। अब जो सबसे आखिर में बच गया वो हमारा लास्ट होगा, यानी 32/60। अब ये सारे अरेंज हो चुके हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।